चल रहा है लेकिन बाहर में सपोर्ट कैमरा कर रहा है अंदर आ जाइए फिर वाले हाथ को चलाइए राइट हाथ को चलाइए स्लोली काटिए देखिए पावर देखिए और उसका कैमरा देखिए तो किस से करिए कार किस तरीके से रोटेट करिए जिसके द्वारा हम पेट के कैंसर बच्चेदानी के कैंसर और हर्निया की सर्जरी और बच्चेदानी के सारे ऑपरेशन हम बड़ी सफलता पूर्वक और बड़ी आसानी से रोबोट के माध्यम से कर देंगे। इसमें तीन मेन अंग होते हैं, एक पेशेंट कार्ड होती है जिसके कि चार हाथ होते हैं, चार आर्म्स होती हैं, उन चार आर्म्स में से एक आर्म में कैमरा जाता है, बाकी तीन से आप अपने औजार पेट के अंदर डाल सकते हैं। एक सर्जन कंसोल होता है जिसके अंदर आप जिसमें सर्जन बैठता है और वहाँ पर देख के वो ऑपरेशन वो जो रोबोट है उसको चलाता है। असिस्टेंट्स के लिए और कॉटरी के लिए एक तीसरी एक और विंग एक और इक्विपमेंट होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंसफ्लेटर कॉटरी और असिस्टेंट के लिए एक स्क्रीन लगी रहती है और असिस्टेंट उसमें बैठ के सर्जन जैसा बोलता है जो भी सहायता सर्जन को रहती है कैमरे को अगर स्थिर करना है आपको दूसरे तरीके फिक्स करना है कैमरा साफ करना है तो असिस्टेंट वहाँ बैठ के वो सब कर सकता है। इस सर्जरी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इस सर्जरी के द्वारा आप पेट के अंगों को बहुत अच्छे से मैग्नीफाइड रूप में देख सकते हैं जो दूसरी सर्जरी से कहीं ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। थ्री डायमेंशनल व्यू में अगर आप देखते हैं तो आपको डेप्थ परसेप्शन भी होता है जिससे कि आप सर्जरी को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं।